रेल मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप होगा बंद, उसके बदले आएगा नया ऐप जिसका नाम होगा रेलवे सुपर ऐप। जैसे बता दें आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यात्रियों के लिए, जैसे बता दें रेलवे यहां पर ला रहा है सुपर ऐप, जिसको लेकर दोस्तों टिकट बुकिंग से लेकर हर चीज़ की जानकारी एक ही जगह यहाँ पर मौजूद रहेगी। आइए दोस्तों बताते हैं क्या अपडेट है और क्या अपडेट यहाँ पर रेल मंत्रालय की तरफ से निकल के आ रहे थे। तो वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दोस्तों रेल छोटी बड़ी अपडेट आप सबको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आइए दोस्तों बताते हैं क्या अपडेट। दोस्तों मौजूदा समय में आपको बता दें 1 दर्जन से अधिक मोबाइल ऐप के जरिए तमाम तरह की सर्विस यात्रियों को प्रदान करता है भारतीय रेलवे। इसमें से दोस्तों एक है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, जिसमें दोस्तों 100 मिलियन से अधिक डाउनलोड के साथ ये सबसे लोकप्रिय ऐप है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें आप जैसे कि टिकट की बुकिंग यहाँ पर करते हैं। इसके तहत दोस्तों आपको बता दें सुपर ऐप के तहत बाकी सभी ऐप को यहाँ पर लाया जाएगा, यानी कि दोस्तों एक यहाँ पर ऐप आएगा जिसका नाम यहाँ पर रेलवे जो है सुपर ऐप यहाँ पर कह रहा है, जो कि दोस्तों ट्रेन में टिकटिंग, ट्रेन के यहाँ पर ट्रैकिंग, साथ साथ दोस्तों भी अन्य सर्विसेस की होती हैं, जैसे कि दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पर कितनी यहाँ पर ट्रेनें आ रही हैं, या दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो अलग अलग ऐप आप यहाँ पर मोबाइल में रखते होंगे। अब ऐसे में दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी तरह की जो रेलवे की यहाँ पर योजना हो रही है, जिसमें दोस्तों रेलवे के 1 दर्जन से अधिक मोबाइल ऐप के जरिए तमाम जानकारी जो है देती है। आपको बता दें दोस्तों ईटी के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले ने लिखा है कि भारतीय रेल सभी अलग अलग तरह के ऐप को एक पर जोड़कर सुपर ऐप यहाँ पर लाया जाएगा। इसके तहत सभी सर्विसेज को आवश्यक यहाँ पे जो भी यहाँ पे आवश्यक सर्विसेज है उसके लिए अलग अलग ऐप आपको, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा ट्रेन में ट्रैकिंग के लिए वेयर इज़ माई ट्रेन, ट्रेन की दोस्तों जानकारी के लिए NTAC ऐप, साथ साथ दोस्तों IRCTC बुकिंग के लिए IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, IRCTC एयर, ये सभी दोस्तों ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ता होगा। अब दोस्तों बता दें यहाँ पे CRS जो है वो एक ही ऐप पर यहाँ पर काम यहाँ पर कर रहा है, जिसका नाम दोस्तों सुपर ऐप यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों IT यहाँ पे सिस्टम को संभालने का काम जो है CRIS को दिया गया है। साथ ही जो अधिकारी ने कहा कि यूजर की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ऐप पर व्यापक बदलाव की जरूरत भी है। दोस्तों कुछ यहाँ पर नए नए बदलाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस ऐप का क्या यहाँ पर कितना यहाँ पर खर्च आने वाला है, सभी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट। दोस्तों जानकारी के मुताबिक सुपर ऐप यात्रियों के लिए मौजूदा सुविधाएं जैसे कि रेल मदद, शिकायतें सुझाव के लिए UTS ऐप, अनारक्षित टिकट, साथ साथ तो नेशनल ट्रेन इंश्योरेंस सिस्टम, ट्रेन की स्थिति का कंबाइंड रहेगा। पहले दोस्तों बताए गए लोगों के अनुसार ऐप में डेवलपमेंट कर इसे 3 साल तक चलाने का राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ट्रांसपोर्टर में लगभग 90 करोड़ का यहाँ पर खर्च आएगा, यानी जो सभी ऐप को यहाँ पर डेवलप करने का 3 साल तक चलाने का, साथ साथ दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर में लगभग यहाँ पर 90 करोड़ का यहाँ पर खर्च कहा जा रहा है। रेलवे के दोस्तों कुछ यहाँ पर पॉपुलर ऐप है जैसे कि दोस्तों IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, जिसमें 100 मिलियन से अधिक यहाँ पर लोकप्रिय है, साथ साथ दोस्तों UTS ऐप जिसमें 10 मिलियन डाउनलोड है। फाइनेंशियल 2023 में रेल कनेक्ट ऐप के 5,60,000 ट्रेन टिकट बुकिंग यहाँ पर दर्ज की गई है। ये दोस्तों आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। इससे दोस्तों ट्रेन यहाँ पे बुकिंग और कैंसिल, साथ फ्लाइट टिकट बुकिंग, सभी चीज़ दोस्तों आपको सुपर ऐप में देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे करके जो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है इसको बंद करके रेलवे सुपर ऐप को यहाँ पर आपको डाउनलोड करना होगा, जिसमें ट्रेन की जानकारी, कहाँ ट्रेन है, ट्रेन की ट्रैकिंग, सभी चीज़ जानकारी आपको एक ऐप में मिलेगी। बाकी दोस्तों यही अपडेट थी, बाकी और नई अपडेट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह नई अपडेट जानकारी पाने के लिए। दोस्तों को भी शेयर कर दें इस वीडियो के बारे में।